दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आप लोग मनरेगा में अक्सर एक शब्द सुनते होंगे जिसे कहते हैं जियो टैग। मनरेगा में जियो टैग क्या होता है और यह क्यों जरूरी रहता है, आज इस वीडियो में मैं आपको इन सभी बातों के बारे में बताऊंगा। जियो टैग हम उस फोटो को कहते हैं जिस फोटो में उस कार्य की समस्त भौगोलिक स्थिति प्रदर्शित होती है। उस भौगोलिक स्थिति को हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से समझते हैं। मनरेगा में जियो टैग की शुरुआत सबसे पहले नवम्बर 2017 में हुई थी। नवम्बर 2017 के जितने भी कार्यों के जियो टैग फोटो किए गए हैं उसे मनरेगा फेस 1 के नाम से जाना जाता है, और नवम्बर 2017 के बाद जिन नवीन कार्यों के फोटो जियो टैग किए गए हैं उसे फेस 2 के नाम से जाना जाता है। मनरेगा में जो जियो टैग किए जाते हैं उस जियो टैग के माध्यम से आप उस कार की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उस कार की लागत, उस कार पे व्यय, और यदि वह कार व्यक्तिगत मूलक है तो आप हितग्राही का नाम भी जान सकते हैं। चलिए अब आपको मैं यह बताता हूँ कि जियो टैग की आवश्यकता क्यों होती है। मनरेगा जियो टैग में आप कोई भी पुराने कार को नया नहीं बता सकते। अक्सर होता क्या है कि आपने सुना होगा कई एजेंसी पुराने कार को ही नया बताकर उसकी राशि इत्यादि निकाल लेती है, अतः इस प्रकार की डुप्लीकेसी ना हो इसलिए जियो टैग की सकता होती है। क्योंकि एक बार यदि किसी कार की जियो टैग हो चुकी है और यदि कोई एजेंसी उसे पुनः नया बताने का प्रयास करती है तो जब वह उस स्थान से उस कार की जियो टैग फोटो लेंगी तो हमें पूर्व में किए गए कार की जियो टैग मैच करने से हमें उस कार की डुप्लीकेसी पता चल जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार होने की आशंका खत्म हो जाती है। दूसरा, जियो टैग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति किसी भी ग्राम पंचायत में किए गए कार की फोटो के साथ साथ अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकता है। देखिए, इस संबंध में मैंने करीब 6 मैं पूर्व एक वीडियो अपलोड किया था या उसका थंबनेल दिख रहा कि किसी भी ग्राम पंचायत में आप किए गए कार के जियो टैग फोटो कैसे देखें। हालांकि यह वीडियो मैंने मनरेगा के ऑफिशियल वेबसाइट से बनाया था, परंतु आजकल मनरेगा भुवन ऐप भी लॉन्च हो चुका है, इसके माध्यम से भी आप किसी भी कार का जियो टैग फोटो देख सकते हैं। जब भी कोई नया कार प्रारंभ होता है तो GRS के द्वारा उस कार की जियो टैग फोटो ब्लॉक लेवल पे सेंड की जाती है। अब आपका यह फोटो अप्रूव्ड हुआ या नहीं इस संबंध में मैंने एक वीडियो जारी किया था, ये देखिए ऊपर उसकी कार्ड बटन दिख रही है, और ब्लॉक लेवल पे आपका जियो टैग फोटो एक्सेप्ट हुआ है नहीं इस संबंध में मैंने एक वीडियो जारी किया था, जो ऊपर दिख रही कार्ड बटन पे क्लिक करके आप एक्सेप्टेंस के बारे में जान सकते हैं। जब आप किसी भी जियो टैग फोटो को देखते हैं तो उसमें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ साथ एक हाइट भी दिखाई जाती है। यह हाइट समुद्र तल से जितनी ऊंचाई पे वह कार स्थित है यह प्रदर्शित करता है। जियो टैग को और अच्छे से समझने के लिए आपको लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में विस्तार पूर्वक जानना होगा। इस लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के संबंध में मैंने एक विस्तृत वीडियो जारी किया है, ये देखिए ऊपर उसकी कार्ड बटन दिख रही है, उस पर आप क्लिक करके लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की मनरेगा से जुड़ी खबरें आप तक समय समय पर मिलती रहें तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये बगल वाली घंटी के बटन को अवश्य दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आप चाहें तो मनरेगा के अपडेट्स के लिए एक मेरा फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है मनरेगा क्रिएशन, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और वहां जाके इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।